श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म क्या है? दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म करने की बात कहते हैं, परंतु यह निष्काम कर्म क्या है? क्या बिना किसी उम्मीद के कोई कर्म करना निष्काम कर्म है? दर्शकों, आखिर निष्काम कर्म की परिभाषा क्या है? इसका सही अर्थ आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, दरअसल निष्काम कर्म को लेकर ढेर सारी बातें सुनने को मिलती हैं, पर वास्तव में सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बीच का अंतर बेहद कम लोगों को पता है। दर्शकों, आइए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा निष्काम कर्म को लेकर कहे गए औचित्य को समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म क्या है। भगवद गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत की व्याख्या। निष्काम कर्म कैसे करें? निष्काम कर्मयोग के अनुसार स्थित प्रज्ञता क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना वास्तव में कर्म कुशलता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में अंतर क्या? निष्काम कर्म में फल पाने की आशा नहीं होती। दर्शकों, निजी लाभ की इच्छा किए बिना किसी ऊंचे अभियान कार्य में अपना सर्वस्व समर्पित करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। सामान्यतः हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उस कार्य को करके हमारी इच्छा पूरी हो सके, परंतु भगवद गीता कहती है कि हमारी इच्छाएं ही तो हमें दुख में जीने के लिए मजबूर करती हैं। मनुष्य का मन उस आकाश की भांति है जो असीम है, अनंत है। इस मन की एक इच्छा पूरी करो तो ये तुरंत एक नई इच्छा खड़ी कर देता है, और फिर मनुष्य अपनी अंधी कामनाओं को पूरा करने के प्रयास में तमाम तरह के दुख कष्ट झेलता है और व्यर्थ जीवन गवा देता है। लेकिन जो व्यक्ति लाभ हानि सुख दुख की परवाह किए बिना समझदारी से ईमानदारी से सही काम को करने का चुनाव करता है, तो ऐसा मनुष्य सही मायने में निष्काम कर्मयोगी होता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि कुछ पाने की उम्मीद से नहीं बल्कि कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि काम अच्छा है, उस काम को करके समाज का लोगों की भलाई होगी, और यदि वह इस शुभ काम को बिना कुछ पाने की इच्छा से कर रहा है तो ये निष्काम कर्म होगा। भगवत गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत की व्याख्या। अब तक हमने समझा कि किसी आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य को आशार्हित होकर करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म सिद्धांत की व्याख्या। पर अब सवाल आता है कि भगवान कृष्ण को निष्काम कर्म के उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान इच्छाओं का पुतला होता है, एक के बाद एक इच्छा लगातार उसके मन में घूमती रहती है और वो बिना जाने समझे उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए निकल पड़ता है, और ऐसा करते हुए उसे मौत आ जाती है पर उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। पर इसी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करते हुए यानी बिना फल की आशा रखे बिना जीता है तो वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि अब व्यक्ति को जीवन में कुछ ऐसा ऊंचा लक्ष्य मिल गया है कि उसे अब अपनी इच्छाओं का ख्याल ही नहीं रहता। वो भली भांति जानता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ इस काम को करके कोई मुझे आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं मिलेगा, पर क्योंकि वो काम सही है, जरूरी है, इसलिए उस काम को बड़ी मेहनत से करने में वो डूब जाता है। तो जहाँ एक सांसारिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए काम करता है, वही निष्काम कर्मयोगी परमात्मा के लिए काम करता है, माने वो सच्चाई के लिए कर्म करता है और मौज में जीता है। सोचिए क्या हालत होगी उस इंसान की जिसे अतीत का दुख न हो और भविष्य की चिंता न हो, वो तो अपने वर्तमान में ही मौज के साथ जी रहा है। ऐसी जिंदगी हो जाती है,
एक निष्काम कर्मयोगी की। तो यदि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं, दुख हैं, और ऐसे में आप भी निष्काम कर्म करके जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो अब सवाल आता है कि निष्काम कर्म कैसे करें। बिना आत्मज्ञान के निष्काम कर्म करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वो नहीं जानता ये मन क्या है, संसार क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है। निष्काम कर्म कैसे करें? ऐसा इंसान किसी ऊंचे काम को भी नहीं पहचान सकता, उसे सही काम और गलत काम में फर्क ही नहीं मालूम होगा। ऐसा मनुष्य भले ये कहे कि वो कुछ पाने की आशा के बिना कर्म कर रहा है, तो उसे निष्काम कर्म घोषित नहीं किया जा सकता। निष्काम कर्म करने के लिए व्यक्ति को अपनी सच्चाई पता होना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो कौन है, उसे जन्म क्यों मिला है और निष्काम कर्म से उसे क्या लाभ होगा, ऐसा व्यक्ति किसी के कहने पर निष्काम कर्म करेगा तो फिर उस कर्म से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं को जाने बिना दुनिया में कोई भी काम करना व्यर्थ है। आइए इसी बात को एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए मैं एक लालची इंसान हूँ जिसे पैसे का बड़ा लालच है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं कोई भी कर्म करूँगा तो जाहिर सी बात है मन में यही रहेगा कि मुझे लाभ होगा कि नहीं। नौकरी काम कैसा है इस बात पर नहीं बल्कि सैलरी के आधार पर तय करूंगा। इसी तरह मैं अगर कामुक व्यक्ति हूँ तो मैं कोई भी कर्म इसलिए करूंगा ताकि उस काम को करके मेरी वासना की पूर्ति हो। इसी तरह किस व्यक्ति के मन में क्या है उसकी सच्चाई वो स्वयं जान सकता है, और एक बार जो ये जान गया उसकी हकीकत क्या है तो फिर वो उस हकीकत को सुधारने का प्रयत्न भी करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो निष्काम कर्म नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि मैं लालची हूँ तो जाहिर सी बात है अगर मेरे कर्म करने से मेरे भीतर का लालच खत्म नहीं होता तो मेरा कर्म ही व्यर्थ है। इसलिए जो व्यक्ति दुनिया में निष्काम कर्म करना चाहता हो, जीवन में बिना कुछ पाने के उद्देश्य से कोई शुभ कार्य करना चाहता हो, उनके लिए स्वयं को जानना बेहद जरूरी है। एक बार जो व्यक्ति जान लेता है कि वो कौन है, फिर वो ये भी देख लेता है कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा कर्म है, काम है जिसे करने से जीवों का, जानवरों का, मानवता की भलाई है, और फिर वो उस ऊंचे और शुभ काम को पूरी ताकत से करना शुरू कर देता है। अब ऐसे इंसान को कोई भी रोकने आए वो इंसान रुक नहीं सकता। निष्काम कर्मयोग के अनुसार स्थितप्रज्ञता क्या है? भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में सवाल करते हुए पूछते हैं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जवाब में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्ता आत्मये वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोचते। सुख दुख आकर्षण विकर्षण से प्रभावित हुए बिना जो मनुष्य हर स्थिति में समान भाव संभाव में रहकर जीता है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति निर्मल मन से आत्मस्थ होकर सत्य की राह में जीता है और राग द्वेष से प्रभावित हुए एक समान भाव में जीता है, ऐसे मनुष्य को स्थिर प्रज्ञ कहकर संबोधित किया जाता है। निष्काम भाव से कर्म करना वास्तव में कर्म कुशलता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। जब किसी कर्म के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य किसी तरह का फल पाना, खुशी पाना नहीं होता, अपितु उसके द्वारा कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कर्म आवश्यक है और कल्याणकारी है। निष्काम भाव कर्म कुशलता,
तो इस भाव के साथ उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म सुंदर होता है, बेहतर होता है। प्राय जब भी व्यक्ति किसी कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है तो उसका ध्यान कर्म से अधिक इच्छा पूर्ति पर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वो काम पसंद होता है, बल्कि वे नौकरी में मिलने वाली सैलरी के कारण घिस घिस कर काम करते हैं। दूसरी तरफ निष्काम कर्म कहता है कि तुम कर्म का चयन व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से न करो, बल्कि काम का चुनाव आप उस कर्म की उपयोगिता के आधार पर करो। भले किसी काम को करने से आपको स्वयं बहुत ज्यादा लाभ न हो, परंतु अगर वो काम सच्चा है, कल्याणकारी है, तो आपके द्वारा उस कार्य को करने का फैसला करना ही श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए कोई ऐसी कंपनी है, संस्था है, जिसे देखकर लगता है कि ये संस्था दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रही है, तो ऐसी संस्था में भले आपको ज्यादा काम करना पड़े और बहुत पैसे न मिले, तब भी आप उस संस्था से जुड़ जाते हैं। तो अब आप अपने जीवन का कीमती समय एक सही काम को दे पाएंगे। अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कितनी सैलरी है, कितना काम है, क्योंकि वो काम सुंदर है, जरूरी है, आप वो काम करोगे। इसलिए निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति को परिणाम की चिंता करनी नहीं पड़ती। वो जानता है जो सही है, उचित है, वो वह कर्म कर रहा है। अब भला परिणाम से क्या लेना देना? सकाम कर्म और निष्काम कर्म में अंतर क्या है? सकाम और निष्काम कर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। संसार में अधिकांश लोग सकाम कर्म में ही लिप्त रहते हैं, जिस वजह से वे लाभ हानि के फेर में बंधे रहते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों कर्मों के बीच मूल अंतर को। जब भी किसी कामना या इच्छा के वशीभूत होकर हम कोई शारीरिक या मानसिक कर्म करते हैं तो वह सकाम कर्म कहलाता है। दूसरी तरफ निष्काम कर्म बिना कुछ पाने की लालसा के होता है, वो काम ठीक होता है, इसलिए उसे किया जाता है। सकाम कर्म एक इंसान अपने या अपने प्रियजनों के लिए करता है। दूसरी तरफ निष्काम कर्म में किसी खास व्यक्ति का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का हित होता है, अर्थात यह कर्म सार्वजनिक कल्याण के लिए होता है। जब कोई कार्य शुरू करने से पहले सोचा जाए उसका परिणाम क्या होगा और फिर उस कर्म की तरफ बुद्धि को संचालित किया जाए, ये सकाम कर्म है। पर निष्काम कर्म को अंजाम से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए परिणाम की फिक्र किए वो शुभ कर्म किया जाता है। निष्काम कर्म किसी तरह के सुख को पाने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ सकाम कर्म के पीछे मनुष्य का मुख्य मकसद सुख पाना होता है। सकाम कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति अज्ञानी होता है। निष्काम कर्म तभी किया जा सकता है जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो। संक्षेप में कहें तो जो कार्य कोई फल पाने की खातिर किया जाए वो सकाम कर्म है, और जिस काम को करने में इच्छा ही मिट जाए, अर्थात जो धर्म की खातिर, सच्चाई की खातिर किया जाए, वो निष्काम कर्म है। क्या निष्काम कर्म में फल पाने की आशा नहीं होती? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जब निष्काम कर्म के विषय में समझाते हैं तो कहते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति भविष्य में फल पाने और उस फल का स्वाद चखने की इस आशा के साथ कर्म नहीं करता। अब ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि भविष्य में परिणाम सोचे बिना ध्यान लगाकर काम करना कैसे संभव होगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति निष्काम कर्म तभी करता है जब उसे आत्मज्ञान होता है, अर्थात जब वह अपने जीवन की सच्चाई को साफ साफ देख लेता है और उसे एहसास हो जाता है कि कौन सा कार्य है जो करना इस समय करना उचित है। अब वह व्यक्ति बड़ा ध्यान लगाकर उस कर्म को करता है, अब चाहे उसे भविष्य में फल मिले या चोट, अगर चोट मिलती है तो उसे एक पल के लिए लगेगा कि मुझे सही काम के बदले में चोट मिल रही है, पर वो अंतः समझ जाएगा कि सही कर्म करने का परिणाम कभी गलत नहीं होगा।
आज मुझे भले लग रहा हो, मेरे साथ गलत हो रहा है, पर वास्तव में ठीक हो रहा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति निष्काम भाव से अपने शहर की गंदगी साफ करने का प्रयत्न करता है। अब जाहिर है उसका उद्देश्य है मन लगाकर साफ सफाई के इस कार्य को करना। अब इसका परिणाम कुछ भी हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति न तो सुख की ज्यादा परवाह करता है और न ही दुख की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। उसे तारीफ मिले या बुराई, वह इस पर ध्यान देने की बजाय उस कर्म को करता है जिसे करना उसका धर्म कर्तव्य है। निष्काम कर्मयोगी बनने के लिए जरूरी है आत्मज्ञान। बिना खुद को जाने आप किसी भी ऊंचे काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर सकते। दर्शकों, निष्काम का अर्थ कर्म ना करना नहीं, कर्म के फल से खुद को अलग कर लेना है। धार्मिक मान्यता है कि हर इंसान को अपने जीवन में कुछ समय निष्काम होकर रहना चाहिए, लेकिन लोग इस शब्द का अर्थ गलत निकालते हैं। दर्शकों, आध्यात्मिक जीवन में एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, निष्काम। कई लोग इस शब्द का बहुत अलग अलग अर्थ लगाते हैं। कुछ तो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं जो कहते हैं निष्कामता यानी कर्म से हट जाना, कर्म ना करना। जीवन की हकीकत यह है कि हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। कर्म के बिना तो पशु भी नहीं रह सकते। सिर्फ मनुष्य में ही यह संभावना है कि वह अपने कर्मों को अपने हिसाब से परिभाषित कर सकता है। अधिकांश कर्म हम अपने हित और स्वार्थ के लिए करते हैं, इनका फल भी उतना ही होता है। इस तरह के कर्म को सकाम कर्म कहते हैं। यहीं से निष्काम कर्म की परिभाषा शुरू होती है। निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। कभी कभी कुछ काम ऐसे भी किए जाएं जिसका हमारे लिए कोई फायदा ना हो। हमेशा याद रखिए, दूर तक वे ही कर्म फायदा देते हैं। कर्म में निष्कामता का भाव होगा तो हमारी संवेदनाएं प्रबल होंगी, हम संवेदनशील बनेंगे। कभी अनजान की मदद, कभी प्रकृति की सेवा, कभी परमात्मा के ध्यान में बैठना, भगवान की पूजा करना, लेकिन उनसे कुछ मांगना नहीं। किसी गरीब की सहायता, ऐसे कई कर्म हैं जिनसे आप अपने भीतर निष्कामता का भाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। कभी कभी ये भी सोचिए कि आप सिर्फ निमित्त हैं, सारा काम कोई और ही करवा रहा है। थोड़ा समय ऐसा निकालें जिसमें अपेक्षा रहित हो जाएं। जो हो रहा है उसे होने दें। अपने आप को सिर्फ एक माध्यम समझें। किसी भी कर्म में खुद को शामिल ना करें, मतलब खुद के स्वार्थ को ना देखें। फायदा हो रहा है या नुकसान, इसका विचार मन में ना लाएं। कर्म में निष्कामता जड़ भरत से सीखिए। भागवत में कथा है जड़ भरत की। वे कोई भी कर्म हो उसे परमात्मा की इच्छा समझकर करते थे। चिड़िपा खेत का दाना चुभ जाए तो परमात्मा की इच्छा, बाढ़ आ जाए तो परमात्मा की इच्छा। एक बार तो किसी ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनकी गर्दन पर तलवार भी रख दी तो भी वे निष्काम रहे, विचलित नहीं हुए। उसे भी परमात्मा की मर्जी ही माना, तो भगवान खुद आ गए उनकी जान बचाने। हमेशा ना सही, लेकिन कभी कभी हमारे मन में कर्म में निष्कामता का भाव आएगा तो जीवन में कई उलझनों का जवाब मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। दर्शकों, भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता न करके मात्र अपने कर्तव्य में लीन रहता है, वही सच्चा निष्काम कर्मयोगी है। कर्मयोगी इस सत्य से परिचित होते हैं कि सांसारिक द्वंद्व तो एक के बाद एक आते हैं और आते रहेंगे। इनका प्रभाव क्षणिक और अस्थायी तथा मात्र नाशवान शरीर तक ही सीमित है। आत्मा स्थायी और शाश्वत है, उसका उत्थान और पतन ही मनुष्य का वास्तविक उत्थान और पतन है। इसलिए जो भी कर्म किए जाएं,
आत्मोन्नति को ध्यान में रखकर ही किए जाएं। यदि यह मान भी लें कि कर्मों के लिए प्रेरणा परमात्मा से मिलती है, तो इस सत्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सत्यं शिवं सुंदरम से युक्त परमात्मा कभी हम मनुष्यों को गलत कर्म करने की प्रेरणा नहीं देगा। ऐसी प्रेरणा अपने ही मन की उपज होती है। उस महान सत्ता का प्रतीक प्रतिनिधि आत्मा के रूप में अपने भीतर बैठा है, जो सदा प्रेरणाएं ही संप्रेरित करता है, परंतु मन द्वारा उनकी उपेक्षा होने से वे व्यवहार में नहीं उतर पाती। मन की अपेक्षा यदि अपनी गतिविधियों को आत्म प्रेरणा के अनुरूप परिचालित किया जाए, तो हम कभी गलत कर्मों की ओर न बढ़े। अस्तु कर्म अकर्म का दायित्व अपने ऊपर न मानकर परमात्मा पर मानना अनासक्त कर्मयोग का गलत अर्थ लगाना है। अनासक्त कर्मयोग शब्द स्वयं भी अपने वास्तविक आशय को प्रकट करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अनासक्त और कर्मयोग। अनासक्त का अर्थ है राग मोह प्रीति न रखना। कोई भी छोटा अथवा बड़ा काम क्यों न किया जाए, उसके प्रति कर्तव्य का अहंकार न जोड़ा जाए। अहंकार की उत्पत्ति आसक्ति से होती है। दूसरा शब्द है कर्मयोग। गीता इसकी व्याख्या करती है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। कार्य कुशल वही हो सकता है जिसे उचित अनुचित कर्मों के बीच अंतर का बोध हो। इसलिए कार्य कुशलता में अशुभ कर्मों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।